नमस्कार दोस्तों, मैथ सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इंग्लिश की ढेर सारी जानकारियां मिल रही हैं, इसलिए इसको जो है सब्सक्राइब पक्का निश्चित रूप से करिए और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, और देखिए इसमें जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। पहले तो आप ये जानिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसे वाक्यों से प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप इत्यादि का बोध होता है और इसमें मे का प्रयोग अवश्य होता है। रूल दिए हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर वाक्य के भावानुसार प्रेड, ब्लेस्ड, बीज्ड, कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम, इसमें आरएस में आए हुए मे को माइट में बदलते हैं। तीसरा नियम, इसमें आरपी और आरएस को जोड़ते समय डैट का प्रयोग करते हैं। इतना नियम हो गया। फिर एग्जांपल देखिए, फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें मे दिया हुआ है। अब इसमें जो है शुभकामना का बोध हो रहा है या जो है आशीर्वाद का बोध हो रहा है, तो सैड के स्थान पर हम क्या लिखे हैं, ब्लेस्ड, और मी को हमने नोट किया, दोनों को जोड़ दिए, डैट हो गया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है आरपी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई हो गया। अब मे को हमने किस में बदल दिया, माइट में। फिर इसी प्रकार द प्रीचर सैड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब देखिए इसमें जो है प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो सैड के स्थान पर हम देखिए यहाँ लिखे हैं प्रेड, ऑब्जेक्ट को नोट किए, दोनों को जोड़ दिए, और आरएस का सब्जेक्ट आपका गॉड है, गॉड को भी नोट किया गया, और मे को देखिए माइट में, यहाँ नियम दिया गया मे को माइट में बदलते हैं। हेल्प को नोट किए, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसके अनुसार जाएंगे मी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी होगा। दे सैड टू हिम मे यू डाई। अब इसमें देखिए श्राप का बोध हो रहा है, अभिशाप का बोध हो रहा है, तो इस साइड के स्थान पर देखिए कर्स लगा है। फिर ऑब्जेक्ट को नोट किए, दोनों को जोड़ दिए, डैट हो गया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हिम के अनुसार जाएंगे तो ही हो जाएगा, मे को माइट में, डाई को हमने नोट किया। इसी प्रकार राम सैड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब देखिए इसमें जो है शुभकामना का बोध हो रहा है, तो सैड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, बीस, आरपी के ऑब्जेक्ट को नोट किए, दोनों को जोड़ते समय डैट, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदले हैं तो आई हो गया, और आई जब हो गया तो मे को माइट में कन्वर्ट किया गया, गेट सक्सेस जो कहते हैं लिख दिया गया। अगला नोट है, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू न हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है में से स्टार्ट नहीं करता है, मे को अंडरस्टूड कर देता है। जैसे देखिए वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। अब देखिए इसमें मे का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसमें जो है प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो सैड के स्थान पर प्रेड, दोनों को जोड़ दिया गया, सब्जेक्ट को नोट किए, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या कहे हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। देखिए और सेव द प्रेसिडेंट इसमें दिया हुआ, हमने क्या किया, इसे नोट किया। फिर माय ग्रैंडफादर सेड टू मी मे यू लिव इन पीस। अब इसमें देखिए शुभकामना का बोध हो रहा है, इसमें मे का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसलिए सैड के स्थान पर क्या हो गया, बीस्ड। अब ऑब्जेक्ट को हमने नोट किया, दोनों को जोड़ दिया डैट से, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके अनुसार जाएंगे, आई होगा, और मे यहाँ अंडरस्टूड है तो इसलिए हम यहाँ इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी आपका डायरेक्ट स्पीच में ये दिया था, नोट किया गया। फिर यहाँ दे सेड लॉन्ग लीव द किंग, इसमें भी देखिए मे का यूज नहीं हुआ, तो इसमें जो है प्रार्थना की बात हो रही है, तो सैड के स्थान पर प्रेड हो गया, दोनों को जोड़ दिया गया, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, द किंग, और फिर मे को हमने माइट में कर दिया, और माइट के बाद वर्ब, फिर लॉन्ग लीव लॉन्ग को नोट कर दिया गया।
यदि आरएस में गुड बाय गुड नाइट का प्रयोग हुआ हो तो सैड के स्थान पर बेड, सैड के स्थान पर क्या लगाएंगे, बेड। कब लगाएंगे, गुड बाय रहेगा और गुड नाइट। तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सैड के स्थान पर बीज्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही सैड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो देखिए गुड बाय दिया है तो सैड के स्थान पर बेड, गुड बाय को हटाएंगे नहीं। फिर जब इस नियम से बनाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे, माई को बदले हैं इसके अनुसार तो हीज हो गया है। दूसरे ढंग से बनाएंगे, ही बेड हीज फ्रेंड्स गुड बाय, ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर जो है यहाँ लिखे हैं, श्याम सैड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें गुड मॉर्निंग दिया है तो यहाँ बीज्ड लगाए हैं। अब माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, श्याम के अनुसार बदले हीज हो गया, हीज फ्रेंड्स को नोट किया और गुड मॉर्निंग को ज्यों का त्यों लिख दिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।